हेलो एवरीवन, आई होप आप लोगों को वो वीडियो बहुत अच्छा लगा एंड आप लोगों ने कुछ ऑब्जर्व किया। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब स्टार्ट हो रहा था तो गाड़ी जो है स्लिप कर रही थी, है ना, स्लिप हो रहा था तो भी टायर का इंप्रेशन आ रहा था। सेकेंड टाइम हमने जब ब्रेक लगाया तब भी आपका वहाँ पर स्किड हो रहा था तो और टायर का इंप्रेशन भी आ रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? क्या डिफरेंस है स्किडिंग एंड स्लिपिंग में? डिफरेंस क्या है प्योर रोलिंग में, रोलिंग विद स्किडिंग एंड रोलिंग विद स्लिपिंग में? ये पूरा जानेंगे हम इस पर्टिकुलर वीडियो में, बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे से समझेंगे। एंड ऑल्सो इस टाइप के स्लिपिंग एंड स्किडिंग में किस टाइप का फ्रिक्शन आता है? हर कोई जानता है रोलिंग फ्रिक्शन आता है, बट रोलिंग फ्रिक्शन में भी कौन सा है? क्या वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्या वो काइनेटिक फ्रिक्शन है? देखेंगे इस वीडियो में, खूब मजा आएगा, बहुत एंजॉय करेंगे। एंड आप लोग जरूर कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। सो चलिए शुरू करते हैं। रोलिंग विथ स्किडिंग एंड रोलिंग विथ स्लिपिंग के बारे में जानने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्योर रोलिंग क्या होती है। अगर उससे भी पहले हम जानते हैं कि रोलिंग मोशन क्या होता है, तब जाके हम समझ पाएंगे कि जो वो वीडियो है उस वीडियो में क्या हो रहा था। ठीक है, सो हियर वी आर। तो ध्यान से देखना, मान लो ये आपका गाड़ी का चक्का है जो कि एक रोड के ऊपर चल रही है, एंड गाड़ी के चक्के में वो बेसिकली क्या करते हैं, वो गोल गोल भी घूमती है एंड वो आगे भी जाती है, वो गोल भी घूमती है एंड वो आगे भी मूव करता है, तो उसको बोलते हैं रोलिंग मोशन। तो बेसिकली रोलिंग मोशन जो है एक जनरल प्लेन मोशन है जो कि प्लेन में मोशन करता है, एक पर्टिकुलर प्लेन में मोशन करता है। तो देखो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे, ये आपका प्योर रोटेशन है। मान लो ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है अबाउट दिस ओ सेंटर ओ, प्लस जब इसमें आप प्योर ट्रांसलेशन को ऐड कर देंगे, प्योर ट्रांसलेशन मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट आपका सेम डिस्प्लेस करेगा जितना इसका सेंटर डिस्प्लेस किया। अगर इसका सेंटर डिस्प्लेस किया S, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ पॉइंट है A, तो पॉइंट A से लेकर ये पॉइंट है, ये भी आपका डिस्प्लेस करेगा S। तो ये होता है प्योर ट्रांसलेशन में। एंड रोलिंग मोशन होता क्या है, जब आप इन दोनों को मिला दोगे, रोटेशन एंड प्योर ट्रांसलेशन को आप मिला दोगे, तो वो रोलिंग मोशन होता है जिसमें आपकी गाड़ी का चक्का जो है गोल गोल घूमती है, मतलब इंजन से उसको इनपुट मिलता है जिसमें हम चक्के को गोल गोल घुमाते हैं, लेकिन रोड में फ्रिक्शन होने की वजह से ये आगे भी बढ़ने लग जाती है। ये कैसे होता है फ्रिक्शन होने की वजह से कि ये आगे बढ़ जाए, ये भी हम जानेंगे इस वीडियो में। देखो तो बेसिकली हो क्या रहा है प्योर रोटेशन में, क्या होता है प्योर रोटेशन में, क्या होता है, आपका मान लो ये ए से लेकर ये ए डैश चला गया, तो ये एंगल थीटा रोटेट किया, एंगुलर डिस्प्लेस हुआ, तो ए से लेकर ए डैश का ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये आर्क लेंथ होगा, ये आर्क होगा जो कि थीटा इंटू आर जो नॉर्मली होता है। प्योर ट्रांसलेशन में ओ से लेकर ओ डैश का मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट है एस। तो यही फंडा जो है, यही जो फंडा है ना, ए ए डैश आर्क लेंथ और ये ओ ओ डैश जो कि डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यही मेन कारण है कि आपका जो चक्का है वो प्योर रोलिंग होगा या फिर रोलिंग विद स्लिपिंग होगा या फिर रोलिंग विद स्किडिंग होगा। क्या होगा, चलो देखते हैं आगे। देखो ध्यान से, अगर प्योर रोलिंग की मैं बात करूं, प्योर रोलिंग का मतलब मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं कि प्योर रोलिंग में क्या होगा, जब ये आर्क जो है, ये आर्क का लेंथ जब ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा, आर्क लेंथ ए ए डैश आर्क लेंथ जब वो डिस्प्लेसमेंट एस के बराबर होगा, इसका मतलब जितना घूम रही है उतना ही ये आगे जा रहा है, ये जितना घूम रहा है उतना ही ये आगे जा रहा है, जितना ये घूम रहा है उतना ही ये आगे जा रहा है। ठीक है, तो जब ये दोनों इक्वल होंगे उसको बोला जाता है प्योर रोलिंग, दैट इज द प्योर रोलिंग कंडीशन। मतलब आपका जो चक्का है रोड के ऊपर ना ही स्लिप कर रहा होगा ना ही स्किड कर रहा होगा, मस्त मक्खन की तरह चल रहा होगा। ठीक है, मतलब आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, उसमें स्टार्ट हो रहा था, स्टार्ट होते टाइम आपने देखा होगा चक्का जोर जोर से घूम रहा है, तो वहां पे स्लिप हो रहा है क्योंकि आप स्टार्ट में क्या आता है, आप ज्यादा से ज्यादा टॉर्क लगा देते हो,
इंजन पे एक्सीलेटर दबा देते हो तो अचानक से चक्का घूमने लगती है, तो चक्का ज़्यादा तेजी से घूम रहा था तो वो क्या हो रहा था, स्लिप हो रहा था। तो जब आपका स्लिप हो रहा था उसके बाद गाड़ी जब चलने लगी बिना स्लिप के, तो वही आपका मोशन होता है प्योर रोलिंग मोशन, प्योर रोलिंग, जिसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में कोई भी वेलोसिटी नहीं होती, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ चिपका हुआ रहता है आपका चक्का, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब स्टार्ट हुआ था रोलिंग विथ स्लिपिंग में, रोलिंग विथ स्लिपिंग, रोलिंग विथ स्लिपिंग क्या होता है, देखो सबसे पहले रोलिंग विथ स्लिपिंग देखेंगे फिर स्किडिंग। तो रोलिंग विथ स्लिपिंग में क्या होता है, आपका जो चक्का है वो जोर जोर से घूमने लगता है, जो कि आपका आपने वीडियो में देखा। अभी वीडियो में क्या था, उसमें चक्का आपने जब इंजन में, जैसे मान लो ये व्हील है, ये व्हील है, इस व्हील में आपने दिया टॉर्क, इंजन से आया टॉर्क तो व्हील घूमने लगा, तो स्टार्ट में व्हील जो है खड़ा रहता है, तो व्हील को आप जब सडनली टॉर्क दोगे वो घूमने लगेगी, उसके घूमने की वजह से ये कोशिश ये करेगा कि अपनी ही जगह पे घूमने लगे, फिर धीरे से वो आगे जाना स्टार्ट करेगा, तो इसको हम कहते हैं रोलिंग विद स्लिपिंग। तो इस फेनोमेना में क्या होता है, जो कि आपने वीडियो में देखा, जब स्टार्ट हो रहा था तो भी टायर के इंप्रेशंस पड़ रहे थे रोड के ऊपर, तो ये ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि क्योंकि वहां पे थीटा आर, थीटा आर का मतलब क्या, ये रहा थीटा इंटू आर, आर्क ये जो है ज्यादा हो रहा था, आई मीन टू से थीटा आर जो है, या फिर आप ये बोल सकते हो आपका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था वो ज़्यादा था लीनियर डिस्प्लेसमेंट से। लीनियर डिस्प्लेसमेंट देखो, ये रहा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड ये रहा लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब ज़्यादा होगा तो आर्क लेंथ भी ज़्यादा होगा, आर्क लेंथ ज़्यादा होगा तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो आपको देखो मिल जाएगा, एस को डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको मिलेगी वी, एंड थीटा को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी आपको मिलेगा ओमेगा। तो वी जो है इज लेस देन ओमेगा आर, यहां पे आएगा देखो ध्यान से, तो यहां पे क्या हो रहा है ओमेगा आर, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि देखो ध्यान से, लेट मी शो यू, यस देखो ध्यान से कि आपका ओमेगा आर जो है ज्यादा है, ओमेगा आर ज्यादा होने की वजह से आपका ज्यादा तेजी से घूमने की कोशिश करेगा, मतलब ओमेगा की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से, ओमेगा आर ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा तेजी से घूमने लगेगा, ये ज्यादा तेजी से घूमने लगेगा अपनी जगह पे। जैसे कीचड़ में जब आपकी गाड़ी फंस जाती है तो ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा आर बढ़ जाता है, वो अपनी जगह पे घूमने लग जाता है, तो वो भी तो स्लिपिंग है ना, वो भी तो स्लिपिंग है, अपनी जगह पे गोल 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 घूमते रहता है जब कीचड़ में आपकी चक्का फंस जाती है, तो वही है आपका रोलिंग विद स्लिपिंग, क्योंकि ओमेगा आर जो है ज्यादा हो जाता है। ओमेगा आर क्यों ज्यादा हो जाता है, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में लो या फिर गाड़ी आपकी कीचड़ में फंस जाए तो उस टाइम पे वो ज्यादा से ज्यादा घूमने की कोशिश करती है, ठीक है। फिर आता है ब्रेकिंग, आपने गाड़ी स्टार्ट किया, गाड़ी बढ़िया से स्मूथली चला रहे हो, फिर गाड़ी रोकोगे ना कभी रोकोगे, ब्रेकर आएगा तो आप ब्रेक लगाओगे, तो जब ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेक लगाने से क्या होता है, स्किडिंग होती है, स्किडिंग होती है, स्किड होती है। स्किड का मतलब क्या होता है, अब देखो स्किड में क्या होता है ना, आपका ये जो डिस्प्लेसमेंट है एस, ये ज्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू थीटा आर, मतलब ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेस करेगा, तो एस की वैल्यू जो है थीटा आर से बड़ी होगी, ज्यादा से ज्यादा ये डिस्प्लेस करेगा, ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेस करेगा, समझ में आ रहा है, ये ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेस करेगा, स्किड करेगा। ये तब होता है जब आपकी गाड़ी बहुत तेज चल रही है और आप एक्सीलेटर से पैर हटा के अब आप ब्रेक पे पैर लगा रहे हो, तो जैसे ही आप ब्रेक पे पैर लगाओगे आपकी गाड़ी जो है ना चक्का वो गोल गोल घूमना बंद कर देगा, तो आप देखोगे गाड़ी का चक्का जो है ना गोल गोल घूमना बंद कर देता है, अपने रोड के ऊपर स्किड करने लगता है, स्किड करने लगता है, तो रोड एंड व्हील के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन आने लगती है। डेफिनेटली यहाँ पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन आता है, स्लिपिंग में भी यहाँ पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन आता है, तो आपकी गाड़ी जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसलेट करती है, घूमती बहुत कम है, क्योंकि आप घूमने से रोकने के लिए ब्रेक लगा रहे हो ना, तभी तो ब्रेक लगा रहे हो, सो ज़्यादा से ज़्यादा वो आगे बढ़ती है, ट्रांसलेट करती है, इसलिए एस जो है थीटा आर से ग्रेटर होती है, एंड अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो वी जो है ओमेगा आर से ग्रेटर होती है। चलिए देखते हैं इस पॉइंट पे, मतलब बेसिकली जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है रोड एंड व्हील के बीच में वहां पे क्या हो रहा है, चलिए देखते हैं।
देखो, तो अगर मैं वेलोसिटी की टर्म्स में बात करूं, अगर मैं वेलोसिटी के टर्म्स में बात करूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा ओमेगा आर। देखो प्योर रोटेशन हो रहा है, तो ओमेगा आर ओमेगा आर ओमेगा आर ओमेगा आर, ये ओमेगा से घूम रहा है, प्लस ये प्योर ट्रांसलेट कर रहा है ना, प्योर ट्रांसलेट कर रहा था जैसे यहां पे, तो ये प्योर ट्रांसलेट जब कर रहा है तो हर पॉइंट की वेलोसिटी जो होगी वो सेम होगी, हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी। तो प्योर रोटेशन एंड प्योर ट्रांसलेशन को जोड़ दो, उससे आपको मिलेगा रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन। तो ये देखो पॉइंट ए, यही हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है। तो इस पॉइंट में वेलोसिटी होगी वी आगे की तरफ, ओमेगा आर होगा पीछे की तरफ, ओमेगा आर होगा पीछे की तरफ। तो यही दोनों के वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड जो होगी वही डिसाइड करेगा कि ये जो है पॉइंट ए आपका क्या होने वाला है। चलो इसको थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। पॉइंट ए पे जो वेलोसिटी होगा, तो मान लो पॉइंट ए पे जो वेलोसिटी है, पॉइंट ए पे जो वेलोसिटी है उसको हम मान लेते हैं वी नेट। तो वी नेट का वेलोसिटी वो क्या हो जाएगा, वी माइनस ओमेगा आर। हमने ये माना है कि राइट साइड में जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है एंड लेफ्ट साइड में जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है। तो देखो ये राइट साइड में है तो वी, लेफ्ट साइड में है तो ओमेगा आर, तो माइनस ओमेगा आर, तो वी माइनस ओमेगा आर। तो वी नेट एट ए हो जाएगा वी माइनस ओमेगा आर, वी माइनस ओमेगा आर। तो देखो जब प्योर रोलिंग होती है, प्योर रोलिंग के केस में मैंने बताया वी इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, तो यहां पे वी इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, तो यहां पे आप जीरो हो जाएगा, नेट वेलोसिटी एट पॉइंट ए जीरो। इसीलिए कहा जाता है जब प्योर रोलिंग होती है वहां पे आता है स्टैटिक फ्रिक्शन। एक बात ध्यान रखना, कभी भी यहां पे अगर रोड पे फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो है कभी भी मोशन नहीं कर पाएगा, कभी भी रोलिंग मोशन नहीं कर पाएगा। जैसे मान लो ये एक रोड है जिसकी फ्रिक्शन की वैल्यू है जीरो, एंड उस पर अगर आप एक व्हील लगा देते हो एंड इस पर आप फोर्स लगा के इसको आगे ले जा रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ स्लाइड करते रहेगा, स्लिप होता रहेगा, स्लाइड बोलो स्लिप होता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये स्लिप होता रहेगा, ये घूमेगा नहीं। अनटिल एंड अनलेस फ्रिक्शन ना हो तब तक आप इसको कुछ नहीं कर सकते। आई होप आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो ये है आपका प्योर रोलिंग कि वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, ये अभी हमने प्रूव किया था। उसके बाद रोलिंग विथ स्किडिंग, रोलिंग विथ स्किडिंग। तो रोलिंग विथ स्किडिंग जो है, ठीक है, रोलिंग विथ स्किडिंग जो है इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपका पॉइंट ए में रोलिंग विथ स्किडिंग, स्किड में क्या होता है, जब आपने ब्रेक लगाया, ब्रेक 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 लगाया, तो ब्रेक लगाने से आप क्या कर रहे हो, गाड़ी को घूमना, मतलब गाड़ी का जो चक्का है वो आप चाहते हो कि वो घूमे ना, वो सिर्फ क्या करे, आपने ब्रेक लगा दिया तो वो स्किड करेगा, आपने ब्रेक लगा दिया तो वो सिर्फ स्किड करेगा, है ना। ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाया मतलब घूमने से रोका, तो घूमने से रोका मतलब ओमेगा को आपने कम किया, ओमेगा को कम किया, ओमेगा को कम किया। तो हमको क्या पता था, वी जो है ओमेगा आर से ग्रेटर होता है स्किडिंग में, ये मैंने अभी आप लोगों को प्रूफ किया। देखो स्किडिंग में वी जो है ओमेगा आर से बड़ा होता है, क्यों, क्योंकि आपने ओमेगा को कम किया, आपने ओमेगा को कम किया, ब्रेक लगा के आपने ओमेगा को कम किया, घूमने से रोका, लेकिन गाड़ी तो आगे जा रही है, अपने खुद के इनर्शिया की वजह से वो आगे भागता हुआ रहेगा थोड़े देर के लिए, तो इसलिए वी की वैल्यू डोमिनेट कर जाती है। तो वी माइनस ओमेगा आर, नेट वेलोसिटी एट ए वी माइनस ओमेगा आर जो है ग्रेटर देन जीरो होता है, मतलब पॉजिटिव होती है, मतलब जीरो नहीं होती है। अगर पॉजिटिव है मतलब रिलेटिव मोशन है बिटवीन द व्हील एंड द रोड एट दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए, तो वहां पे हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, वहां पे हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। आई होप आपको ये समझ में आ गया, मतलब वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, ओमेगा आर हो जाता है कम। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू कम हो गई। ओमेगा की वैल्यू कम क्यों हुई, क्योंकि आपने ब्रेक लगाया चक्का को घूमने से रोकने से, रोकने के लिए। तो ये होता है रोलिंग विथ स्किडिंग, जब आप ब्रेक लगाते हो कार में, ठीक है, आपका आवाज अचानक से कुछ आवाज आता है, देखना ऊ करके कुछ आवाज आता है, स्किड होती है गाड़ी, चक्के चक्का जो है रोड के ऊपर स्किड करता है और टायर का इंप्रेशन आ जाता है, उसके बाद आता है आपका रोलिंग विथ स्लिपिंग। रोलिंग विथ स्लिपिंग में क्या होता है ना, यहां पे ओमेगा जो है ये आपका गोल गोल रोटेट कर रहा है। अगेन देखो यहां पे ध्यान से देखना, स्लिपिंग हो रही है, स्लिपिंग मतलब जब आपकी गाड़ी स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट किया आपने, आपने वीडियो देखा, स्टार्ट किया तो भी टायर का इंप्रेशन आ रहा था, तो वो इंप्रेशन क्यों आ रहा था, रोड के ऊपर टायर का इंप्रेशन।
या फिर आप जब कीचड़ में फंस जाते हो तो तब भी आपकी गाड़ी गोल 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 घूमते रहती है, तो तब ओमेगा डोमिनेट कर जाता है, क्योंकि आप इंजन में एक्सेलरेटर दे रहे हो। इंजन में एक्सेलरेटर दोगे तो ये जो व्हील है, ये जो चक्का है, ये गोल 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 घूमता रहेगा अपने ही जगह पे, शुरू में स्टार्ट जब होगा या फिर कीचड़ में फंस जाएगा, तो ओमेगा ज्यादा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ओमेगा आर जो है वी से ज्यादा, ट्रांसलेशन वेलोसिटी से ज्यादा, तो वी नेट जो है वो जीरो से लेस होगा, तो नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा टू द लेफ्ट। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी आपका वी नेट की वेलोसिटी, वी नेट जो है क्या है, नॉट जीरो है, तो मतलब यहाँ पे भी आएगा क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आया, यहाँ पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन आया, यहाँ पे आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि देखो नेट वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए वो जीरो है। आप लोगों को पता है ना, जब नेट वेलोसिटी जीरो होती है दोनों बॉडीज के बीच में, तो वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड इसमें दूसरी बात आप लोगों को ये ध्यान रखना था कि जितना आपका ये एंग, ये जितना आर्क का लेंथ है उतना ही ये डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर ये दोनों आपका इक्वल है, जैसे यहाँ पे हो रहा था, तो यहाँ पे क्या हुआ था आपका प्योर रोलिंग, तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे अगर S डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो जाएगा तो स्किडिंग हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट अगर कम तो स्लिपिंग। सो दिस आर द सम ऑफ द फंडामेंटल थिंग्स जो आप लोग क्लास 11th में भी पढ़े होंगे, एंड उसको हमने सिंपली एक कार के मोशन में अप्लाई करके दिखाया, जो कि आप लोगों को एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया। ज़रूर आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कॉमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।